एक्शन अगर पसंद है बहुत अच्छा तो ही आप जाए, वरना आराम से बैठ के घर पे भी देखा जा सकता है इसको। मुझे तो अच्छी लगी, प्रैक्टिकल है पिक्चर में, मतलब एक्शन मूवी जिसको पसंद है और जॉन पसंद है तो उसको जरूर ये फिल्म अच्छी लगेगी। फिल्म मुझे ठीक ठाक लगी, मैंने ट्रेलर देखा था, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन बहुत हाई था क्योंकि जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी साथ में थे तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। हाँ, फिल्म में एक्शन देखने के लिए मिला, थोड़े लंबे समय के बाद एक्शन देखना काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, खास तौर पर जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के बीच में। लोगों को क्या सलाह देंगी? लोगों को मैं सलाह दूंगी, अगर आप एक्शन देखना चाहते हैं बड़े पर्दे पर काफ़ी लंबे समय के बाद, तो ज़रूर आइए मुंबई सागा देखिए, और जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए। 2.5 देना चाहूँगी इस फिल्म को। थोड़ा सा फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी, बट आई वुड से कि सेकेंड हाफ जो है जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के बीच जो फेस ऑफ दिखाया है, जो इंटेंस फाइट्स दिखाया है, वो मेरे को ज़्यादा पसंद है। 80s 90s का फील ज़रूर आता है, लेकिन जो बीच में हनी सिंह का सॉन्ग है वो मेरे को थोड़ा ऑफ बीट लगा, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसकी ज़रूरत थी, लेकिन जो भी है थोड़ा ऑफ बीट गया, सो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है चल जाएगा, बट देन दैट इज डिसअपॉइंटिंग, द सॉन्ग इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। 5 में कितने स्टार देंगे और लोगों को क्या सलाह देंगे? लोग 5 में से 3 स्टार देंगे, लेकिन वन टाइम वॉच मूवी अच्छी है, सो या गो एंड एंजॉय। मुझे एक्शन फिल्में पसंद आती हैं, संजय गुप्ता का सिनेमा स्टाइल वो मुझे पसंद आता है, और वो इसमें भी मुझे नज़र आया, एक्शन अच्छा था, जो पूरा उन्होंने जो कहते हैं ना कि एक पूरा 80 का जो एरा था वो काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से, जो उसके उनके कॉस्ट्यूम थे, वो जो जितना भी लोकेशन था सब बहुत अच्छे तरीके से था, एक्शन मुझे अच्छा लगा। बस दिक्कत यही लगी कि ये कहानी हमारी बहुत बार देखी और सुनी हुई है, तो वो एक चीज़ थी जो मुझे दिक्कत लगी कि इस तरह की कहानी हम बहुत बार देख चुके हैं। जी, देखिए मैं तो यही सलाह दूंगी कि अपने पूरे प्रिकॉशंस के साथ में आप सिनेमा हॉल जाएं, क्योंकि आप लाइफ के दूसरे सारे काम कर रहे हैं, सारी जो ज़रूरतें हैं सब कुछ है, सिनेमा भी हमारे इंडिया का जो है, एक इंडियन सिनेमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप पूरे एहतियात के साथ में, जो एक्शन के शौकीन हैं, जो जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी के जो फैंस हैं और जो एक्शन के जो शौकीन हैं, वो बिल्कुल ये फिल्म को पूरी एहतियात के बरत के साथ जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, मुझे लगता है कोविड में इससे बेहतर गिफ्ट कहीं भी मिल नहीं सकता है, और 5.5 मूवी को स्टार इसलिए दे रहा हूँ ताकि 5 तो मूवी के लिए है और आधा स्टार घर से बाहर निकालने के लिए, कोविड में बाहर निकलता कौन है, बट जॉन ने इस पिक्चर में हमें घर से बाहर निकाला, इमरान हाशमी जी ने निकाला, जॉन अब्राहम आने पर हम कुछ और स्क्रीन पे देखते ही नहीं है, बस प्रभावित ही प्रभावित रहते हैं।